पटना सिटी के खचकला थाना क्षेत्र के हजारी मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से गोलीबारी होने लगी और गोलीबारी की आवाज सुन आसपास के लोग इधर उधर भागने लगे। वही घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई, जहां मौके पर पहुंचे पुलिस की भनक लगते ही अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 3 की संख्या में बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े हजारी मोहल्ले निवासी बिक्की कुमार के घर पर फायरिंग की। फायरिंग होता देख लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि इस दौरान किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना स्थल से 5 खोखे बरामद किए हैं और पुलिस मामले की छानबीन में शुरू कर दी है। इस मामले में थाना प्रभारी प्रभात रंजन सक्सेना ने बताया कि फायरिंग के बाद पुलिस जाँच में जुटी है। घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। वही बताया जाता है कि पुराने विवाद और पैसे के लेन देन का मामला हो सकता है। हालांकि घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। आज दिनांक 3/7/24 को सुबह समय करीब 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि हजारी मोहल्ला स्थित बिक्की कुमार पिता हीरालाल रजक के घर के बाहर दरवाजे पर 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही वहीं पन्नून का चौराहा के पास स्थित गश्ती दल एवं सेवक के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल पर पहुंचने पर सूचक द्वारा गोली के फोटे भी दिया गया है, जिसे विधिवत जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल के समीप लगे CCTV फुटेज को भी सम्यक रूप से अवलोकन की जा रही है। घटना के कारणों के संबंध में वादी को विस्तृत रूप से आवेदन दी जा रही है। सारे बिंदुओं पर आवश्यक जांच एवं अग्रतर अनुसंधान की जा रही है।